आप अपने गांव, शहर या अपने एरिया के लोगों का आप जानना चाहते हैं कि उनकी विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन आती है, तो आप यहां से उनकी लिस्ट निकालना सीख सकते हैं। तो आप सही वीडियो पर आए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से वृद्धावस्था, विकलांग या विधवा पेंशन की लिस्ट कैसे निकालें। मैं एक ही वीडियो में आपको मैं हूँ आदिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र में आना होगा और क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च करना होगा NSAP.NIC.IN, ये सर्च करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक ये नया पेज खुल जाएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, इसे मैं कट कर देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर तमाम पेंशनों के दिखाए हैं कि ऐसे ऐसे आते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है टोटल बेनिफिशरी पर। यहाँ पर पहले नंबर पर इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आता है। यहाँ पर आपके सामने स्टेट दी होती हैं, आप जिस स्टेट के हों वो अपनी स्टेट चूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे दी है आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा, दमन, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और भी तमाम दी हैं स्टेट। जैसे मैं अपनी स्टेट चूज़ करता हूँ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है IGNDPS, दूसरा है IGNOAPS और तीसरा है IGNWPS। अब आप पता कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा विकलांग पेंशन के लिए है, कौन सा वृद्धावस्था पेंशन के लिए है या कौन सा विधवा पेंशन के लिए है? तो गाइस आपको मैं इधर इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा कि IGN सब में तीनों में, अब DPS और दूसरे में OAPS, तीसरे में WPS। अब इसका मतलब अलग हो गया। IGN का मतलब है इंदिरा गांधी नेशनल, डी से जी विकलांग के लिए पहला DPS, दूसरा है IGNOAPS इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन सिस्टम और तीसरा है इंदिरा गांधी नेशनल वाइफ वाइड पेंशन सिस्टम। तो गाइस मैं यहाँ पर मैं वृद्धावस्था पेंशन देखना चाहता हूँ तो मैं दूसरे वाले पर क्लिक करता हूँ, IGNOAPS, इस पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस अब आपको यहाँ पर आकर अपना शहर चूज़ करना है। जैसे मैं अपना शहर इटावा चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको अपना ज़िला चूज़ करना है। अगर आप ग्रामीण हैं या गांव में रहने वाले हैं तो ऊपर ग्रामीण और शहरी दोनों का अलग अलग ज़िले आते हैं। अगर ग्रामीण हैं तो आप ऊपर सेलेक्ट करिए, अगर शहरी हैं तो नीचे। देखिए मेरा इटावा ज़िला है तो इटावा पर क्लिक करता हूँ।
अभी यहाँ पर आप अपना एरिया चूज़ करिए कि आपके शहर में कौन सा एरिया है। जैसे मेरा है नौरंगाबाद, तो मैं यहाँ नौरंगाबाद चूज़ करता हूँ। देखिए नौरंगाबाद जी आ गया। अब आपके सामने ये लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पे उनका ऑर्डर नंबर लगा है, यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, उनके फादर्स या हस्बैंड का नेम लिखा है, एज लिखी है, जेंडर है, स्टेटस है और स्कीम है। देखिए देखिए जैसे राम बेटी, साबरा बेगम, जुलेखा, बिरमा देवी, ये देखिए इस तरीके से आप अब किसी की भी लिस्ट निकाल सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।